आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। 10 सितंबर 2020 को माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया। वर्तमान समय में सरकार द्वारा मछली पालन अर्थात जलीय कृषि करने वाले किसानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जलीय कृषि करने वाले किसानों को बैंक ऋण, बीमा, अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान किया जा रहा है। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित एक सतत विकास योजना है, जिसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि के दौरान सभी राज्यों संघ शासित प्रदेशों में लागू किया गया है, जिसके माध्यम से मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की आय में वृद्धि करने के साथ ही उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। इस योजना पर 20,050 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इस धनराशि का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लक्ष्य क्या हैं। वर्ष 2024-25 तक मछली उत्पादन में अतिरिक्त 70 लाख टन की वृद्धि करना। वर्ष 2024-25 तक मछली निर्यात से होने वाली आय को 1,00,000 करोड़ रुपये तक करना। मछुआरों और मछली पालक किसानों की आय को दोगुनी करना। पैदावार के बाद होने वाले नुकसान को 20-25% से घटाकर 10% करना। मछली पालन क्षेत्र और सहायक गतिविधियों में 55,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान करना। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य क्या है। आवश्यकता के अनुसार निवेश करते हुए मत्स्य समूहों और क्षेत्रों के निर्माण पर केंद्रित है। मुख्य रूप से रोजगार सृजन गतिविधियों जैसे शैवाल और सजावटी मछली की खेती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह मछलियों की गुणवत्ता वाली प्रजातियों की नस्ल तैयार करने, उनकी विभिन्न प्रजातियां विकसित करने व महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास और विपणन नेटवर्क आदि पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगा। नीली क्रांति की उपलब्धियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई नए क्षेत्रों की परिकल्पना की गई है, जिसमें मछली पकड़ने के जहाजों का बीमा, मछली पकड़ने वाले जहाजों नावों के उन्नयन हेतु सहायता, बायोटॉयलेट्स लवण अर्थात क्षारीय क्षेत्रों में जलीय कृषि, मछली पालन और जलीय कृषि स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स, एक्वाटिक प्रयोगशालाओं के नेटवर्क और उनकी सुविधाओं का विस्तार, ई ट्रेडिंग या विपणन, मत्स्य प्रबंधन योजना आदि शामिल है। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभार्थी कौन है, जिसमें शामिल है फिशर, फिश फार्मर्स, मछली श्रमिक व मछली विक्रेता, मत्स्य विकास निगम, स्वयं सहायता समूह या संयुक्त देवता समूह, मछली पालन क्षेत्र, मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य पालन संघ, उद्यमी और निजी फार्म, मछली किसान उत्पादक संगठन, कंपनियां, SC/ST, महिला, अलग अलग विकलांग व्यक्ति आदि शामिल है। किसान भाइयों, अगर आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसके अलावा आपके नजदीकी मछली विभाग में जाकर मत्स्य अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।